मोर को इस दुनिया का सबसे खूबसूरत पंछी माना जाता है, और अगर हम इसे खुद बनाकर गार्डन में डेकोरेट करें तो हमारा गार्डन और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। तो आइए हम मिलकर इस मोर को बनाते हैं। मैंने सीमेंट पर पहली बार काम किया है, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले इसका बेस तैयार करेंगे, जो कि बहुत मजबूत होना चाहिए। चूंकि सीमेंट में वेट ज़्यादा होता है, इसीलिए बेस का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। गर्दन के लिए एक मोटी रॉड का यूज किया है, जिसे मोड़ने के लिए आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। मैंने पंखों के लिए एल्युमिनियम शीट का यूज किया है। इसी तरह मैंने पैरों के लिए भी एक मोटी रॉड को यू शेप में टर्न किया है। अब हम इन सभी को पतले तारों से एक दूसरे से टाइटली टाई करेंगे। इस मोर को बनाने में जो भी सामान यूज हो रहा है, वो आपको हार्डवेयर शॉप से मिल जाएगा। अगर आप सेम साइज की पिकॉक बनाना चाहते हैं, तो हर एक रॉड और पंखों का मेजरमेंट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। हमारा बेस जितना स्ट्रॉन्ग और स्टेडी होगा, हम उतने ही अच्छे से इस पर काम कर पाएंगे। अब हम सीमेंट पर काम शुरू करेंगे। उसके पहले आप ग्लव्स जरूर पहन लीजिएगा। सबसे पहले मैं सीमेंट का एक पतला घोल तैयार करूंगी, जिसके लिए मैंने सीमेंट और सैंड बराबर क्वांटिटी में मिक्स किया है। मिक्सचर में पानी डालने से पहले इसे सूखा ही बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इसके बाद कुछ पुराने कपड़ों की लंबी लंबी स्ट्रिप्स काटकर उन्हें इस मिक्सचर में अच्छी तरह से भिगोकर पूरी मोर पर लपेटेंगे, जिससे हमें एक मोटाई मिल जाएगी। आपका फ्लोर गंदा ना हो, इसके लिए आप एक प्लास्टिक शीट जरूर बिछाएं। ये DIY प्रोजेक्ट भले ही आपको मुश्किल लग रहा हो, पर अगर हमारा बेस मजबूत बना है, तो फिर सीमेंट पर काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसीलिए थोड़ा टाइम लेकर हमारे बेस पर ज्यादा काम कीजिए और उसे मजबूत बनाइए। अब इसे 3-4 घंटों के लिए सूखने के लिए छोड़ दीजिए। इसके सूखने के बाद अब हम 2 parts ऑफ सीमेंट और 3 parts ऑफ सैंड को मिलाकर एक बेस तैयार करेंगे। किसी भी एरिया में सीमेंट लगाने से पहले उस पर पानी जरूर डालिएगा, ताकि सीमेंट उस जगह पर मजबूती से पकड़ बना सके। अब हम अपने पिकॉक को एक शेप देंगे। पिकॉक के डिफरेंट एंगल्स के 2-4 प्रिंटआउट्स आप जरूर अपने पास रखिएगा, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। एक बार बेस पर पूरी तरह से सीमेंट लगने के बाद हम इसकी डिटेलिंग करेंगे। ये प्रोजेक्ट टाइम लेगा, इसीलिए इसे एक दिन में पूरा नहीं किया जा सकता, पर जब भी आप इसे रोकते हैं और ये सूख जाता है, तो इस पर पानी जरूर डालते रहिएगा। सीमेंट पर हम जितने बार पानी डालेंगे, ये उतना ही मजबूत बनेगा। एक बार बेस कंप्लीट होने के बाद अब हम इसके विंग्स बनाएंगे और उस पर डिटेलिंग करेंगे।
साइड विंग्स बन जाने के बाद इसका कुछ ऐसा लुक आया। अब मैं फिर से इस पर पानी डाल रही हूँ और इसकी टेल पर काम करूंगी। आप चाहें तो किसी मड स्टैच्यू मेकिंग वीडियो से कुछ आइडियाज ले सकते हैं। पहले ये प्रोजेक्ट मुझे भी काफ़ी मुश्किल लग रहा था, पर जब एक बार मैंने इस पर काम करना शुरू किया तो ये मुझे आसान लगने लगा। अब मैं आगे भी और एनिमल्स बनाऊंगी सीमेंट से ही और फिर आपके साथ शेयर करूंगी। अब हम इसे 2 दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। इस पर बीच बीच में पानी जरूर डालिएगा, इससे इसकी मजबूती बढ़ेगी। रात को इस पर गीला कपड़ा लपेट कर रखिएगा और सुबह उठकर उस पर भी पानी डालिएगा। 2 दिन हो चुके हैं और मेरी मोर कम्प्लीटली ड्राई हो चुकी है। अब मैं सीमेंट का एक पतला घोल बनाकर इसे पूरे मोर के ऊपर एक कोट करूंगी। इसे सूखने में 2 से 3 घंटे लगेंगे। इसके बाद सैंड पेपर से थोड़ी सी फिनिशिंग देंगे। इसके बाद वॉल पुट्टी का एक पेस्ट बनाकर पूरी मोर पर उसका एक कोट करेंगे, जिससे ये और भी स्मूथ हो जाएगी। उसी वॉल पुट्टी का क्ले बनाकर हम पीकॉक का क्रेस्ट भी बनाएंगे। अब इसे कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। इसके पूरी तरह से ड्राई होने के बाद अब हम इसे कलर करेंगे, जिसके लिए मैं एशियन पेंट्स के ऑयल बेस कलर का यूज कर रही हूँ, जो वाटरप्रूफ भी होते हैं और बहुत शाइन भी करते हैं। कलर्स के एग्जैक्ट नेम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको लगे तो आप फर्स्ट कोट के सूखने के बाद इस पर सेकेंड कोट भी कर सकते हैं। पंखों पर मैंने बेस कलर करने के बाद थोड़ा सा गोल्डन कलर का टच दिया है। फेदर्स के लिए एक कलर ड्राई होने के बाद ही दूसरा कलर करिएगा, वरना ये कलर मिक्स हो सकते हैं। फेदर्स पे भी मैंने थोड़ा सा गोल्डन कलर का टच दिया है। कलर्स के सूखने के बाद आप चाहें तो इस पर एक कोट क्लियर वार्निश का भी कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारी पीकॉक गार्डन में डेकोरेशन के लिए बिल्कुल रेडी है ना खूबसूरत। और इसे आप इंडोर या आउटडोर कहीं भी डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।